दिव्या अपना तुम शुरुआत करें ममता जी। जी सर, गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता पटेल मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और साथ ही साथ अपना सिलाई सेंटर भी चलाती हूँ। और सब करते हुए मोदी केयर बिजनेस को समझते हुए बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ और आज 10% पर पहुंच चुकी हूँ। मैं मोदी केयर बिजनेस के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, अच्छा ही आ रहा है, इसलिए मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहती हूँ, सीखते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे प्रकृति में हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता, उसी तरह समय के अनुसार हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। और आज के परिवर्तन सेशन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे सीनियर डायरेक्टर के पद पर विराजमान दिव्या जी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि हमारे आशुतोष सर जी की बेटी हैं, एक स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कर रही हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए और परिवर्तन सेशन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपका वेलकम है, आइए दिव्या जी। थैंक यू सो मच ममता मैम, इतने अच्छे से मेरा वेलकम करने के लिए। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज हमारा परिवर्तन का सेशन चलता है, तो मैं उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। तो क्या आप अपने जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा चेंजिंग लाना चाहते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी खुलकर जी सके, अपनी जिंदगी बिन बंदिश सीमा एक उड़ान भर सके? कोई भी बदलाव बिना बदलाव के नहीं आता। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम अपने लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होती है। जब कोई अपने जीवन से इतना कुछ चाहता हो, लाइक फ्रीडम चाहता हो, अपने सपने पूरे करना चाहता हो और एक परिवर्तन की इवेंट की शुरुआत करें, तो आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, जिसने भी मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया, वो अपने जीवन के संघर्षों से मानो मुक्त हो गया, आने वाली पीढ़ियों के संघर्षों को फुल स्टॉप दे दिया। जब कोई इस बिजनेस में आता है, बिल्ड करता है, तो वही नहीं कमाता, उसकी आने वाली पीढ़ी, मतलब कि 7 जनरेशन कमाती है। तो क्या है ये बिजनेस जिससे हर कोई कर सकता है? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब बात करें इसे कौन कौन कर सकते हैं, इसे हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी सविता बुआ कर रही हैं, हाउसवाइफ है, इतने सारे लाइबिलिटीज उनके ऊपर है, घर के सारे काम उन्हें देखने पड़ते हैं, फिर भी इस बिजनेस को कर रही हैं। इसे टीचर भी कर सकते हैं, मेरे पापा कर रहे हैं, कविता मैम कर रही हैं, एक लाइब्रेरियन है, यूट्यूबर है, फिर भी इस बिजनेस को सीख रही हैं। एक स्टूडेंट भी कर सकता है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, मेरा भाई कर रहा है और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में ऐसा क्या खासियत है कि जो हर लोग करना चाहते हैं? तो यहाँ पे समीर मूर्ति सर बोलते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और जिसने अपनी सोच बदल ली, खुद को बदल लिया, तो वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो हम कुछ इस तरह के सपने देखते हैं। हमें चाहिए एक बढ़िया आलिशान मकान, एक लग्जेरियस कार, वर्ल्ड टूर, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, मान सम्मान, बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हम लोगों को सारा सपना पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। कभी कभी तो अपने सपनों को पूरा करना तो दूर, जिंदगी की जरूरतों को भी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और महंगाई एक सच्चाई है जो हर साल तेजी से बढ़ रही है। हर 20 साल में घर खर्च 10 गुना बढ़ जाता है। वैसे 1960 में 100 रुपए में घर खर्च चल जाता था, वहीं 2020 आते आते 1 लाख रुपए की जरूरत है हम सबको घर खर्च के लिए। तो वो कौन सा अवसर है
वो कौन सा अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे निर्भरता प्लान के बारे में। आइए जानते हैं डिपेंडेंसी प्लान के बारे में, 40 साल पुरानी सोच के प्लान के बारे में। हम कह सकते हैं 40 इयर्स प्लान, जिसमें आप डिपेंड हो जाते हैं एक्टिव इनकम के ऊपर। 18 साल से 21 साल के उम्र से लगातार हम लोग 40 साल तक हर रोज काम करते हैं, तब हमें एक्टिव इनकम मिलती है। काम पे जाएंगे पैसे आएंगे, नहीं जाएंगे पैसे भी नहीं आएंगे। और हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होते, यानी कि 95% लोग एक्टिव इनकम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अब हम जानेंगे आजादी प्लान के बारे में, यानी कि पैसिव इनकम के बारे में, जो कि 2 से 5 इयर्स का प्लान है। अब जैसे एग्जांपल के रूप में मैं ले लूं, आप कोई किताब लिखेंगे, जितनी कॉपीज बिकेंगी आपको रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन ज्यादातर लोग किताब लिखना तो दूर, वो एक ऐसे भी नहीं लिख पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को कोई भी व्यस्त अपना सकता है। सिर्फ 2 से 5 साल का प्लान है, शुरू में मेहनत ज्यादा पैसा कम आते हैं, पर समय के अनुसार जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका नेटवर्क बढ़ेगा और मेहनत कम और पैसा ज्यादा आएंगे। अब हम जानेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग के फायदे। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में समझना होगा। तो आइए जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स कई हाथों के बाद ग्राहकों तक पहुंचता है, और जैसे जैसे सामान कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए ग्राहक तक पहुंचता है, इससे प्रोडक्ट प्राइस काफी हाई हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि 35 रुपए एक प्रोडक्ट है, फिर वो 45 हुआ, फिर 65 हुआ, फिर 75 हुआ, फिर हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो गया। तो ट्रेडिशनल मार्केट के जस्ट अपोजिट है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री में सीधा सामान कंपनी से निकलता है और कस्टमर तक पहुंचता है, और बचा हुआ पैसा हमारे बोनस इंसेंटिव के रूप में हमें मिलता है। अब डायरेक्ट सेलिंग के फायदे की बात करें तो इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है। आप दिन में कितना काम कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड इनकम है। ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, जैसा कि हमारे फैमिली में मैं करती हूँ, पापा करते हैं, मेरा भाई, मम्मी, बहन, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो मजा आता है। फैमिली बिजनेस है, इसलिए इसमें अनलिमिटेड इनकम है। इस बिजनेस में आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और आप ये बिजनेस को पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आने लगे तो आप इसे फुल टाइम में भी कर सकते हैं। मोदी केयर अब भारत की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई, और इसके संस्थापक मिस्टर समीर मोदी सर हैं। मोदी केयर के पास बस एक प्रोडक्ट है और वो है आजादी। और समीर मोदी सर का यही कहना है, उन्हें हर घर में आजादी पहुंचानी है। मोदी केयर एंटरप्राइजेस की शुरुआत 1933 में स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी जी द्वारा मात्र 400 रुपए से शुरू किया, और बेगमाबाद सुगर मिल की स्थापना की। 1933 टू 72 के बीच इन्होंने 27 उद्योगों की स्थापना की, और 1968 में सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब स्वर्गीय मोदी जी के बाद इनके बेटे श्री के मोदी जी ने संभाला। श्री के मोदी जी के लीडरशिप के चलते मोदी केयर का बिजनेस 90 से अधिक देशों में फैला, और 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज मोदी केयर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो हमने उन्हें दादाजी की बात कर ली, पिताजी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे समीर मोदी सर के बारे में। श्री के मोदी जी के बेटे मिस्टर समीर मोदी जी ने मोदी केयर की नींव रखी। 1996 में मोदी केयर में आज लाखों कंसल्टेंट जुड़ चुके हैं। हम IDSA फाउंडिंग मेंबर हैं। IDSA एक ऐसी संस्था है जो हर कंसल्टेंट
और डायरेक्ट सेलिंग के हितों की रक्षा करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यानी कि GMP सर्टिफाइड है। मोदी केयर उत्पाद रेंज की बात करें तो ये 13 कैटेगरीज में अवेलेबल है। उसमें पहला हमारा न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस है, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, फूड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री, होम केयर, एग्री, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक, SM वॉच एंड डिवाइन। और ये सारे प्रोडक्ट्स हमें सच्ची आजादी दिलाने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड इंडस्ट्री के बेस्ट प्लान में से एक है। हम टोटल GP 62% तक बोनस हमारे काटते हैं। प्लान में टाइटल्स पाने के लिए कोई समय सीमा नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस जुड़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता है। कोई पूंजी निवेश जरूरत नहीं है। आपको मिलते हैं विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स, 100% गारंटी, और आपको सक्सेस बनाने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। अब हम बात करेंगे मोदी केयर में समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आजीवन आय के 10% के बारे में। इसमें सबसे पहला हमारा है 20% तक उपभोग पर बचत। तो फर्स्ट सेविंग ऑन कंजप्शन, जब आप जिस प्राइस पर प्रोडक्ट्स मिल रहा है वो प्राइस तो MRP नहीं होता है, तो ये आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है और इस पे आपको कुछ पॉइंट्स भी मिल रहा है, तो हमें 20% का सेविंग मिलता है। अगर हम लोग ये प्रोडक्ट्स को MRP पे बेचेंगे तो यहाँ पे भी हमें 20% का रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है। तीसरा, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको APB यानी कि एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7-16% मिल रहा है, शुरू हो जाती है। फिर जैसे कि 16% क्रॉस करते हैं डायरेक्टर बनते हैं और हमें 4% डायरेक्टर बोनस पूल मिलने लगता है। उसके बाद 14% टीम बिल्डर बोनस पूल मिलता है इससे हम सीनियर डायरेक्टर बनते हैं। इसके बाद LPB यानी कि लीडरशिप प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बोनस, जो कि हमारे इनकम का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर हमारे इनकम मंथ के लाख रुपीस हो रहे हैं तो 60,000 यानी कि महीने के LPB से हो जाता है और हम लोग सीनियर डायरेक्टर बनेंगे। इसके बाद ड्रीम ट्रेवल बोनस को 3% है। विदेशों में घूमना है, ट्रेवल करना है, दुनिया देखनी है, तो उसके लिए हमारे पास है ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल। इसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमने का शौक है तो उसके लिए कंपनी 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल दे रही है। इसके बाद घर के लिए भी 3% ड्रीम होम बोनस पूल है। इसके बाद 2% अटूट बंधन बोनस पूल है रिश्ता दिल का, जिसमें हमें बहुत बड़ी इनकम मिलती है, जिससे कि कंपनी 2% किनारे करके रख देती है और हमारे ऊपर के जो भी सीनियर है यानी कि CDD, RBD और GBD उनको ये कंपनी देती है। अब हम बात करेंगे उपभोग पर बचत, जो कि बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज है। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे मोदी केयर में है वो 13 कैटेगरीज में अवेलेबल है और यहाँ पे 400 दिखा रहा, बट हमारे पास 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर में। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आपको भी प्रोडक्ट्स लेते हैं 120 रुपया का, तो इसमें आपको 20% का फायदा होता है। अब हम अपनी दुकान खोल सकते हैं। भारतीय राइट सेलिंग जगत बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति आई है। अब इसके बाद बात करेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में, जो कि बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि अब हम महीने में 25 तारीख के पहले अगर हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं 6 महीने तक लगातार, तो हमें कंपनी 7 महीने फ्री सामान देती है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ले लें कि अगर फर्स्ट मंथ हमने 5,000 का सामान खरीदा, फिर सेकेंड मंथ 5,000, फिर थर्ड मंथ 5, ऐसे करते करते हमने 6 महीने तक 5,000 का लगातार सामान खरीदा, तो हमें 7 महीने फ्री सामान मिलती है।
और अगर हमने इसे साल भर यानी कि 12 महीने तक लगातार परचेज किया 5,000 का, तो कंपनी की तरफ से 10,000 का सामान हमें फ्री मिलती है। अब हम जानेंगे एक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, यानी कि 7-16%। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने 1-300 पीवी के अगर प्रोडक्ट्स हमने यूज खरीदे तो हमारा परफॉर्मेंस बोनस लेवल होगा 7% और हम हो गए कंसल्टेंट। उसके बाद 300 से 1200 के बीच अगर हमने पीवी के ऑर्डर अगर किए सामान परचेज किए तो हमारा परफॉर्मेंस बोनस लेवल होगा 10% और हम होंगे सीनियर कंसल्टेंट। 1200 से 1700 तक के अगर प्रोडक्ट्स हमने यूज खरीदे तो हमारा परफॉर्मेंस बोनस होगा 13% लेवल होगा और हम होंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। ऐसे करते करते अगर 4001 तक के प्रोडक्ट हमें लिए तो हमारा परसेंटेज होगा 16% और हम होंगे डायरेक्टर। अब हम जानेंगे एक्युमुलेशन के पावर के बारे में। तो यहाँ पे मोदी केयर के मैथमेटिक्स को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे दो एग्जांपल है, तो मैं उसको गणित को समझने के लिए ये दिया गया है। तो अगर हमने फर्स्ट महीने में अगर 200 जीपीवी का ऑर्डर किया तो हमारा वो एक्यूमुलेट होकर 200 ही रहेगा और हमारा टाइटल कंसल्टेंट होंगे और परसेंटेज हमारा 7% होगा और एपीवी हमारा 378 होगा। और अगर हमने फिर दूसरे महीने 200 जीपीवी का ऑर्डर किया तो वो एक्यूमुलेट होकर 400 हो जाएगा, यानी कि डबल हो गया और हम सीनियर कंसल्टेंट होंगे, हमारा टाइटल 10% होगा और एपीवी 540 हो जाएगा। उसके बाद थोड़े से बड़े एग्जांपल के रूप में समझ लें, तो अगर हमने फर्स्ट मंथ 1000 जीपीवी का ऑर्डर किया तो वो एक्यूमुलेट होकर 1000 रहेगा और टाइटल हमारा सीनियर कंसल्टेंट होगा और परसेंटेज 10% और एपीवी 2700 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड मंथ भी हमने 1000 का परचेज किया तो वो एक्यूमुलेट होकर 2000 हो जाएगा और असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएंगे, 13% हमारा टाइटल हो जाएगा और एपीवी हमारा 3510 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने थर्ड मंथ फिर हमें 1000 का और जीपीवी किया, फिर वो एक्यूमुलेट होकर 3000 हो गया तो हम सुपरवाइजर हो गए, हमारा टाइटल परसेंट 15% हो गया और एपीवी 450 हो गया। अब हम जानेंगे मोदी के फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें करना क्या है कि महीने में अगर हमने किसी नए कंसल्टेंट को लाया तो उन्हें 10% प्राप्त करने के लिए 240 जीपीवी का ऑर्डर करवाना होगा तो वो सीनियर कंसल्टेंट हो जाएंगे और उनका परसेंट 10% हो जाएगा और 778 रुपए के प्राइस डीपी मूल्य पे उन्हें फ्री मिलेंगे। और अगर हमने 3 फ्रंटलाइन कंसल्टेंट को फास्ट स्टार्ट 10% क्वालिफाई करवाई तो 958 रुपए का मूल हमें फ्री मिलेगा और वो दोनों को 778 का डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे लीडरशिप टाइटल्स क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर 26 पीवी और 1250 पीजी पीवी के अगर हमने ऑर्डर किए तो हमारे नीचे कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर सिलेक्ट नहीं होगी और हम डायरेक्टर होंगे। उसके बाद सेकेंड मंथ भी अगर हमने 26 पीवी का ऑर्डर किया, पीजी पीवी हमारा 1100 हुआ और हमारे नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग होगी और हम सीनियर डायरेक्टर होंगे। उसके बाद फिर 26 पीवी का ऑर्डर किए, फिर पीजी पीवी हमारा 900 हुआ, फिर हमारे नीचे 2 डायरेक्टर लेग होंगे और हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। फिर 26 पीवी का ऑर्डर किया, पीजी पीवी 600, उसके नीचे 3 डायरेक्टर लेग होंगे और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। फिर हमने 26 पीवी का ऑर्डर किया, पीजी पीवी हमारा 300 हुआ और 4 डायरेक्टर लेग होंगे और हम प्लैटिनम डायरेक्टर होंगे। और फिर उसके बाद करना कुछ नहीं है, बस 26 पीवी का ऑर्डर करना है और उसके नीचे 6 डायरेक्टर लेग होंगे, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होंगे। फिर 26 पीवी का ऑर्डर किया, उसके नीचे 8 डायरेक्टर लेग होंगे, क्राउन डायमंड डायरेक्टर होंगे। फिर 26 पीवी का ऑर्डर किया, 11 डायरेक्टर लेग होंगे और रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर होंगे। और फिर 26 पीवी का ऑर्डर किया तो 14 डायरेक्टर लेग होंगे और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर होंगे। अब हम जाने 4% डायरेक्ट बोनस पूल के बारे में। तो कंपनी के कुल मासिक बीवी का 4% पूल है
और हर क्वालिफाइड डायरेक्टर टाइटल्स को मासिक भुगतान मिलता है, और पहली बार क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम 1250 पीजीपीबी का हमें ऑर्डर करना होगा। उसके बाद 14% डीम बिल्डर बोनस पूल की बात करें तो कंपनी के कुल मासिक बीबी का 14% का पूल है हर क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर के टाइटल्स को मासिक भुगतान करना पड़ता है, और नॉन डायरेक्टर उसके ऊपर के जनरेशन तक के मिलता है। उसके बाद 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल की बात करें तो कंपनी की कुल मासिक बीवी का 15% का पूल है और क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर के टाइटल्स जिनके पास एक डायरेक्टर ले और 3600 जीपीवी के साथ हो और 8 सीनियर डायरेक्टर जनरेशन तक के भुगतान होता है। उसके बाद 3% डीम ट्रेवल बोनस पूल की बात करें तो ऐसे क्वालिफाइड करने के लिए टीम बिल्डर बोनस पूल को 5 जैसे तक मेंटेन करना पड़ता है और सभी क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर के टाइटल्स को मिलता है। उसके बाद 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल की बात करें तो इसे क्वालिफाइड करने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगातार 3 महीने मेंटेन करना पड़ता है और 4th महीने से ड्रीम व्हीकल बोनस पूल के हम हकदार हो जाते हैं और हमारे नीचे 3 डायरेक्टर लेग होते हैं। उसके बाद 3% ड्रीम होम बोनस पूल की बात करें तो इसको क्वालिफाइड करने के लिए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लगातार 3 महीने तक मेंटेन करना पड़ता है और हमारे नीचे सारे यानी कि 6 डायरेक्टर लेग होते हैं और 4th महीने से ड्रीम होम बोनस पूल के हम हकदार बन जाते हैं। 2% अटूट बंधन बोनस पूल की बात करें तो ये दिखने में छोटा लगता है बट है बहुत बड़ा। कंपनी के कुल मासिक पीवी का 2% का पूल है यानी कि अटूट बंधन रिश्ता दिल का। मंथली पेमेंट हमारे ये 3 सीनियर्स को मिलते हैं, क्वालिफाइड क्राउन डायमंड डायरेक्टर, क्वालिफाइड रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, क्वालिफाइड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को ये मिलता है और इसकी मंथली कैपिंग 21 लाख रुपीज है। अब खुद को जवाब देने की बात है, क्या हम सार्थकता की जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम पैसे कमाने में लोगों की मदद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद हम पैसा कमाने में लोगों की मदद कर रहे हैं, ये एक नेक व्यवसाय है। उसके बाद सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर की बात करें तो ये ट्रेनिंग टूल्स है, क्लासरूम, ऑनलाइन, फोन के जरिए हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि हमारा रोज 5 बजे जूम का मीटिंग होता है, इस मीटिंग में हम हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। हमारे पास बुकलेट भी है, हिंदी में आरोग्य है, वेल का हिंदी में है, हिंदी का बुकलेट बहुत सारे हैं, इंग्लिश में कनेक्ट मैगजीन्स है, ये सब हमें सिखाने में हेल्प करती है, सब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अब बात आती है खुद को जवाब देने की, अगर मोदी केयर नहीं तो क्या, अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। हजारों मील की शुरुआत एक कदम से होती है और पहला कदम आप लें। समीर मोदी सर बोलते भी है, आपके हर एक कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा। तो ये सारे फायदे हमारे मोदी केयर के हैं। तो आई होप आप सबको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू ममता मैम।
गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग एवरीवन. गुप्ता सर को सच्चित नमन, आशुतोष सर को भी मेरा प्रणाम, और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार. मैं रिव्यू के लिए चाहूंगी, बहुत जबरदस्त सेशन दिव्या जी आपका, बहुत शानदार सेशन. अब हमारे बीच सविता दीदी है, तो मैं चाहूंगी कि सविता दी आज के प्रेजेंटेशन के बारे में अपने व्यूज प्रेजेंट करें. गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी गुरु श्रेष्ठ, जैसे कि हमारे गुप्ता सर हैं और आशुतोष सर हैं, तो अपने दोनों गुरुओं को स्वागत सम्मान पूर्वक नमन और आभार प्रकट करती हूँ. सभी उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद और आभार आज के सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और सेशन को सफल बनाने हेतु. आज का सेशन लाजवाब, एमओसी भी जबरदस्त और स्क्रीन शेयरिंग भी बहुत बढ़िया. सभी पार्टिसिपेंट सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा कि एमओसी की भूमिका में हमारी ममता भाभी दिखी थी, उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से मंच संचालन का कार्यभार संभाला. ये उनकी शुरुआत ही है, दूसरी बार वो मंच संचालन कर रही है, लेकिन बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने मंच संचालन किया. बाद में कविता जी उसको कैच की, तो कविता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से. और आज का परिवर्तन सेशन जबरदस्त रहा, जिससे हम लोगों की सीनियर डायरेक्टर दिव्या जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया. दिव्या जी, आपके प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ खास लगा और आपने अपने पद की गरिमा के अनुकूल प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि यह संसार का नियम है, और इस सांसारिक नियम के अनुसार हमें भी हर दिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए. छोटे छोटे परिवर्तन करते हुए हम एक बहुत बड़े परिवर्तन का रूप दे सकते हैं. और कुछ भी बदलाव करना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है, और सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर होता है. इसीलिए हमारे MD फाउंडर मिस्टर समीर मोदी जी का भी यही कहना है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, तब दुनिया बदलो. तो बदलाव जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले आपको आगे आना होगा, तभी आप लोगों में बदलाव ला सकते हैं. और सोच बदलनी है, यानी कैसी सोच बदलनी है? सबसे पहले अपने घर की दुकान बदलनी है, और सर्वप्रथम इसी बदलाव से आप भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ सकते हैं, और ये सौभाग्य प्राप्त होता है. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये अपने आप में बहुत ही फक्र और गौरव की बात है. छोटे छोटे बदलाव से यदि हमारे बड़े बड़े सपने पूरे होने वाले हैं, तो हमें बदलाव यानी परिवर्तन तो करना ही चाहिए. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग आज के सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे और अपने जीवन में भी परिवर्तन जरूर करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ. ओवर टू कविता जी. थैंक यू सविता दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं चाह रही हूँ हमारे बीच अमनोर से प्रिया गुप्ता जी, जो कि एक स्टूडेंट है, टीचर है, और साथ ही एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन भी है, तो मैं स्वागत करती हूँ प्रिया जी का. प्रिया जी, आज के सेशन के बारे में अपने विचार बताएं. प्रिया जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अनम्यूट हो सकती हैं. थैंक यू सो मच मैम, एंड गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग एवरीवन. गुप्ता सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में आने के लिए. बहुत अच्छा रहा आज सेशन दिव्या का. दिव्या ने बहुत बारीकी से आज का सेशन लिया है, और मुझे भी बहुत दिनों के बाद अटेंड करने का मौका मिला है. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था सेशन मैम. थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच. अब हमारे इस प्लेटफॉर्म के महागुरु आशुतोष सर से मैं अनुरोध करूंगी कि आज के सेशन के बारे में अपने व्यूज व्यक्त करें. आशुतोष सर,
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इलेक्शन ड्यूटी में है और सब कुछ ठीक है। सेशन वास्तव में बहुत अच्छा है, रिव्यू बहुत अच्छा हुआ है और ममता जी का मन संचालन भी शानदार रहा। तो हम लोग को सीखना है, सीखते चलना है, करते चलना है, सिखाते चलना है, यही डुप्लीकेसी है। और हम जितना ज्यादा सीखेंगे और जितना अच्छे से उसको काम करेंगे, मतलब फलीभूत करना है उसको, मतलब कि उसको दिखाना है करके, और तब लोगों को सिखाना है कि भाई हमने देखिए ऐसा किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो पहले आपको वो रास्ता बनाना होगा, रास्ता बताना होगा कि देखिए इस रास्ते पे चला जा सकता है, इसे चला जा सकता है, और फिर रास्ता जब बन जाएगा तो सारे लोग उसी रास्ते से चल के सफल हो जाएंगे। तो छोटी सी प्रतिक्रिया है, अभी ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। बहुत अच्छा मन संचालन, आवाज सुनाई दे रही होगी मुझे, पता नहीं था कि आपकी इलेक्शन ड्यूटी है। बहुत टफ ड्यूटी होता है। चलिए ठीक है, आगे की कार्यवाही करिए और 5:36 पर क्लोज कर दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब हमारे बीच हर्षित आनंद जी हैं जो कि इस बिजनेस में 15% के लेवल पे हैं। तो हर्षित जी से अनुरोध करूंगी कि आज के सेशन में, हर्षित जी वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा प्रणाम। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही बढ़िया था। और कैसे हैं सब लोग, आज के सेशन के बारे में आपके विचार बताइए। दिव्या जी का सेशन आपको कैसा लगा? आपने जी का सेशन से क्या अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा। हम थोड़ा अभी बहुत कम ही मीटिंग अटेंड कर पा रही हूँ, कुछ परेशानी चल रही है घर में इसलिए जैसे भी समय मिलता है आप आते रहे, सीखते रहे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल। अब मैं ज्योति बाग जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। ज्योति जी, ज्योति जी वेलकम टू स्टेज। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी गुरु श्रेष्ठ, हरिशंकर गुप्ता सर, आशुतोष सर, रमेश सर, सविता दीदी, कविता दीदी, मेरे ग्रेट अपलाइन, सभी को, दिव्यानंद जी, हर्षित जी, सभी को, प्रिया मैम, सभी को गुड मोदीकेयर मॉर्निंग। एंड आज का सेशन बहुत जबरदस्त, हमारी सीनियर डायरेक्टर मैम दिव्यानंद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखा और बहुत ही इजी वे में हमें प्रेजेंटेशन के बारे में जो भी समझाया वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। हर बार परिवर्तन के में जब भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। डेफिनेटली आज भी हमने बहुत सारी चीजें नई सीखी, समझी, और परिवर्तन तो निश्चित तौर पे करना ही है। सविता दीदी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक दुकान बदलने से, एक दुकान के परिवर्तन से अगर हम अपनी जिंदगी के, लाइफ के बहुत सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं तो फिर क्यों ना इसकी शुरुआत कर दी जाए और लोगों को अर्निंग के लिए भी अवेयर करवाया जाए और उन्हें भी एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकें इसको, तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। बिल्कुल सत्य वचन है। थैंक यू सो मच, ओवर टू कविता दी। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगी पूजा पटेल जी हमारे बीच है। पूजा जी, आपके व्यूज आप रखें, आपको आज के सेशन में क्या सीखने को मिला? आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है पूजा जी। हाँ, आप अनम्यूट हो गई हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन,